आइए आज ले चलता हूं आपको एक खूबसूरत से सफर पे अपने कुछ खास दोस्तों के साथ। ये हैं मुकेश सिंह उर्फ मुक्को। इन्हें शांति से इतना प्यार है कि आसपास की सारी लड़कियों में ये शांति को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन आज तक इन्हें शांति मिली नहीं। ये खुला आसम। और अब आप इनसे मिलिए। इस विशाल शरीर वाले इंसान को हम प्यार से धूमचिक, मेरा मतलब धीरू मंचिक बुलाते हैं, और ये इतने ही बहादुर हैं जैसे एक शेर के सामने छोटा सा हिरन का बच्चा। ये है रानी। मेरी नहीं, हम सब की रानी। रानी इसलिए क्योंकि स्ट्रिप पे सबसे ज्यादा हुकूमत इन्हीं की चली है। किसी होटल में जाकर होटल का वॉशरूम यूज करके होटल बदलना हमने इनसे सीखा है। अबे कैमरे पड़ा। और ये रहा हमारा छोटा शेर, जो ब्रो और डूड बोलते बोलते कब आपकी वॉट लगा देगा आपको भी पता नहीं चलेगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट और हम जाएंगे शिमला। मैंने पहले ही बताया तो हम थोड़ा सा खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगा था इस वजह से इन लोगों को रुकना पड़ा मेरे खाने के लिए। बस खाएंगे उसके बाद शिमला जाएंगे। ठंडी बढ़ इसकी बातें तो कभी खत्म नहीं होगी। चलिए हम आपको ले चलते हैं शिमला अपने अंदाज में, थोड़ा नाचते गाते। So finally, we have reached शिमला और इतनी ठंडी है और ये 16 डिग्री पे। सुबह कितना होगा बताओ? सुबह 4 से 6 होने वाला है प्लस में। So उतने बजे उतना ही मत, उतनी ठंड लगेगी ही नहीं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। जब माइनस में गए तब क्या होगा, मम्मी मेरी बुला रही है घर। चलिए देखते हैं सही सलामत घूम के घर जाए तो ब्लॉग कंटिन्यू किया जाएगा। हाँ, अगर ठंड नहीं लगा तो कंटिन्यू किया जाएगा। जिंदगी ज्यादा प्यारी है। आइए आपको व्यू दिखाते हैं। आसमां में ख्वाबों के परिंदे उड़े, दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। So guys, I'm all set to go. अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और हमें जाना है कहीं आसपास में कुछ जगह है वहां पर जाएंगे। जितना पॉसिबिलिटीज हो सकेगी आज बहुत सारी जगह को कवर करेंगे। हालांकि हम बहुत लेट हो चुके हैं, 10 बज चुका है, लेकिन बोलिए अभी। सबसे पहले हम लोग जाएंगे मंदिर। जैसा कि इनके आउटफिट से आपको पता चल रहा होगा, ये बाबा जी पेटीकोट वाले बाबा तैयार हुए मंदिर जाने के लिए। मैं बिगड़ गया यहाँ जाके, पता नहीं शायरी होगा कि नहीं मुझसे। नहीं होएगा, होएगा। खुले है जो पल का ये नजर, लगता है अब है जागे हम। फिक्र जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। तो गाइस हम काफी ऊपर आ चुके हैं, बस थोड़ी ही दूर पे हमें चांद दिखने वाला है। लेकिन 550 बच्चे फाइनली वी हैव रीच्ड इस रास्ते से, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंक्लाइन था। हाउ यू फीलिंग? फीलिंग टायर्ड करके है, रुको। नाउ ब्रो, हर मैदान फतेह। हर मैदान फतेह। जय बजरंग बली की जय। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया,
याद कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उस मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल। अब शुरू हो चुका था हमारा दूसरा दिन और हम निकल चुके थे एक ऐसी जगह के लिए जहां पर हमें स्नो यानी कि बर्फ दिखाई दे। हाँ, चलते चलते तो जाना ही था, चलते चलते मुझे अपने दोस्तों के साथ इन खूबसूरत वादियों में खो जाना था। हमारी खुशियों को देखकर तो आपको पता चल ही रहा होगा कि हम इतने में कहां शांत होने वाले थे। हमें और फन चाहिए था, इसलिए अब हम निकल पड़े थे और गर्म कपड़ों के लिए ताकि हम गहरे बर्फ में जा सके। मेरे को एक चॉकलेट देना उसमें से। नहीं देना प्लीज। अब इस चॉकलेट की कहानी क्या ही मैं बताऊं आपको। दरअसल मांग चॉकलेट की नहीं बल्कि विक्स की जा रही है, जो कि ऐसे ठंडे मौसम में खाकर गले का अलग ही वॉट लगा देता है। कोई नहीं, हम इन्हें मैगी खिलाते हैं। गर्मा गर्म मैगी। शिमला की वादियों में कौन सी जगह पर है हम लोग? नारकंडा में मैगी बनाने मिल रहा है हमें। दुकान पर आया, हमारे पास पैसे नहीं थे कपड़े के लिए, तो हमें मैगी बना के लोगों को खिलाना पड़ रहा है। चल नौटंकी। गर्म है? गर्म है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैगी खा लो, गर्म है। तो मौसम बहुत खराब हो रहा है और हमें बहुत जल्दी से जल्दी सारा सब कुछ एडवेंचर जो भी करना है। एक हमें आईफोन मिला यहाँ पे, यहीं गिरा था। मैं इसको गिफ्ट कर दूंगा वैसे ये, तो अब आपके वो उसके पास दिखेगा तो समझ जाना कि ये मैंने दिया हुआ। समझ रहा हूँ क्यों दे रहा हूँ। और अब मैं और मेरे दोस्तों की टोली पहुंच चुकी थी हैवी स्नोफॉल वाले एरिया में, ताकि एडवेंचर का मजा दोगुना हो जाए। गोला 10 रुपए। I hang out with very classy people.
गोला गोला 10 रुपया गोला अरे थैंक यू भैया, अच्छा व्यू को बोल रही। कुछ ऐसे ही हंसते हुए हमारा आज का दिन भी खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, कहानी तो अभी शुरू हुई थी। और आज के दिन ने भी हमें यही सिखाया कि जिंदगी में ना दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, वरना हमारी लाइफ थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है। लाइफ में इंसान को और क्या ही चाहिए, 4 दोस्त, थोड़े पैसे और बहुत सारी खुशियां। तो चलिए इन खुशियों को और दोगुना करेंगे आगे के सफर में। तब तक के लिए आप भी हमारे साथ इन खूबसूरत वादियों को महसूस करिए।